हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान देंगे मित्र, हम लोग आज का क्लास में, जैसा कि हम पिछला क्लास में आपको बता चुके हैं कि आज का क्लास में साइंस का हीट क्वेश्चन करने वाले हैं, मैट्रिक स्तरीय प्रश्न, जैसा कि आपका सामने लिखा हुआ है, आपका सामने बिल्कुल लिखा हुआ है मैट्रिक स्तरीय प्रश्न और हीट ऑब्जेक्टिव। इसका नाम दिया गया है क्या? हीट ऑब्जेक्टिव। और किसका कर रहे हैं मित्र? साइंस का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं विद्यार्थी जी? तो साइंस का हीट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर अभी से लेके एग्जाम तक दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाते हैं तो मैथ और साइंस में 90 तक नंबर ला सकते हैं, 90 मार्क्स तक, 90 अंक आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इतना हम लोग मेहनत आपके ऊपर कर देंगे, इतना आपका क्या करेंगे, पढ़ाई करवा देंगे, इतना आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप 90 मैथ में और साइंस में पार करने का काबिल बन जाइएगा और बना देंगे। ये हम ऐसा आपको क्या करते हैं, उम्मीद दिलाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हीट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव साइंस का हीट ऑब्जेक्टिव, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है भैया। कितना है विद्यार्थी जी? 80 ऑब्जेक्टिव है। जो स्टूडेंट अभी तक दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए नंबर दिया हुआ, ये नंबर दिया हुआ 8540890133, 8540890133। जिस विद्यार्थी को ये पीडीएफ चाहिए, मैथ का और साइंस का पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या हो जाइए, बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या होइए, जुड़ जाइए और 10th क्लास लिख के क्या कीजिए, हमें भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग मैट्रिक स्तरीय लेवल का प्रश्न कर रहे हैं। अगर यहां से आप ऑब्जेक्टिव ये सब कर लिए तो हमको ऐसा लगता है 40 में 40 आराम से मार सकते हैं, सॉरी 40 में, इस बार 42 पूछेगा, 40 या 42 पूछेगा, तो 40 या 42 जो भी पूछेगा तो उतना आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक बात, आप सब सर्वप्रथम अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए, सबसे पहले शेयर कीजिए, सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, शेयर, ताकि अधिक से अधिक जुड़ जाए, अधिक से अधिक स्टूडेंट क्या हो जाए, जुड़ जाए और अधिक से अधिक दिशा क्लास से क्या हो, लाभ प्राप्त कर सके। सुनिए एक बात और सुनेंगे, हम यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी तैयारी करवाएंगे, 2 अंक स्तरीय भी करवाएंगे मित्र, और 5 अंक स्तरीय भी हम क्या करेंगे, करवाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो जुड़ जाते हैं वो साइंस का और मैथ का दोनों का ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, 2 अंक स्तरीय भी करवा देंगे और दीर्घ उत्तरीय 5 अंक स्तरीय भी करवा देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेट मोबाइल में होना चाहिए, नेट मोबाइल में 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए थोड़ा भरवा लीजिए एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। अंत भला तो सब भला होगा, अगर अंत भला तो सब भला, आप 1 साल मित्र कितना पढ़े हैं वो मायने तो रखेगा ही, लेकिन लास्ट में कितना पढ़ के और कितना मार्क्स ले आते हैं यह मायने रखता है। आप विचार कीजिए एक बात पे, आप विचार कीजिए, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट साल भर पढ़ता है और वो आपका लाता है 80% नंबर, और अभी जुड़ के दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से और 80% लाएगा तो दोनों इक्वल हो गया। हाँ, नंबर ये नॉलेज का थोड़ा फर्क होगा, लेकिन नंबर 80% उसका भी होगा जो 1 साल पढ़ा, और जो 10-15 दिन यहां से पढ़ के तैयारी रट पट चट लिया उसका भी 80% आ गया। नंबर में दोनों बराबर होगा भैया, नंबर में क्या होगा, बराबर। समय को ज्यादा बर्बाद करते नहीं हम आगे अपना काम पे आते हैं। जैसे ही पहला ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसे ही पहला ऑब्जेक्टिव आएगा उसी तरह आप कमेंट करके भेजना है। सबसे पहला देखेंगे हम कौन कमेंट कर रहे हैं, आ गया जिसका इंतजार था, आ गया पहला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी आंसर कमेंट। एक क्वेश्चन पे 3 या 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं। और देखिए आप बैठते हैं ना जी,
तो दो तीन बार पढ़ने का कोशिश कीजिए इसको, दो तीन बार जल्दी जल्दी दिमाग में एकदम क्या करना है, घुरघुरा देना है, एकदम जल्दी जल्दी पंखा के जैसा क्या करना है, घुरघुरा के क्या करना है, याद करना है। अब भी यहां पे याद करते जाएंगे तो फिर दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, और एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे, तीसरा विश्व युद्ध में जैसे ही बैठेंगे तो क्लिक आएगा, अरे अब वो सर कुछ यूट्यूब पर क्या किए थे, पढ़ाए थे, उसका आंसर ये होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं मित्र, सबसे पहला क्वेश्चन, जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए मित्र के, हम टाइम दे रहे हैं आपको, टाइम दे रहे हैं 10 सेकेंड शेयर करने का, शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मित्र शेयर करेंगे, शेयर आज 100 से पार होना चाहिए, 100 विद्यार्थी से पार होना चाहिए, 100 वाचिंग करना चाहिए, 100 से पार करवाने का जिम्मेदारी आप, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप में है सब जगह क्या कीजिए, इसको सेंड कर दीजिए। चेचिस तगड़ा देख लेगा सब, चेचिस तगड़ा है दिशा क्लासेज के, दिखा दीजिए आप लोग चेचिस क्या है, तगड़ा। उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। आज 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 1 से लेकर 80 तक आज मेरा लक्ष्य है 1 to 80 का बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बहुत सारा के आंसर देखिए बिल्कुल सही आ गया। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? अरे भैया, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो यह आंसर हो गया प्रकाश का परकिरणन, क्या हो गया? प्रकाश का परकिरणन। यह आंसर डी बिल्कुल क्या है, सही है, डी नंबर आंसर है। ये टिंडल प्रभाव प्रकाश की कैसा घटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परकिरणन का, प्रकाश का टिंडल प्रभाव आएगा तो प्रकाश का परकिरणन आंसर मार देंगे। चलिए सेकेंड नंबर आंसर तुरंत आना चाहिए, एकदम विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। चलिए स्टार्ट कीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। बोल रहा है देखिए क्वेश्चन एक बार पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अरे भैया, एक होता है हाइड्रोकार्बन, दो प्रकार का होता है हाइड्रोकार्बन, दो प्रकार का, एक होता है संतृप्त और एक होता है क्या, असंतृप्त। याद कीजिए संतृप्त में सिर्फ देखिए भैया एल्केन आता है, संतृप्त में सिर्फ क्या आता है, एल्केन, और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। ए ठाकुर, क्या आता है, एल्कीन और एल्काइन। अरे हम क्या बोले जी, एल्केन आता है और एल्कीन एल्काइन आता है। हाइड्रोकार्बन कई प्रकार के होता है भैया? तो दो प्रकार के होता है, पहला क्या बोले, संतृप्त, और दूसरा क्या बोले, असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार के जी, दो प्रकार के सर, और संतृप्त में कौन आता है, एल्केन आता है, असंतृप्त में आता है एल्कीन और एल्काइन। आप इसका समान सूत्र याद रखिएगा, पूछता है भैया, पूछता है जी एल्केन का क्या होगा, एल्केन का क्या होगा, तो CnH2n और +2। आपको याद था, हमको पता है, आप खुश हो रहे हैं। CnH2n और -1 होता है, प्लस वन होता है, CnH2n प्लस वन, डायरेक्ट दुगना होता है, CnH2n होता है। दिमाग में थोड़ा सा दूसरा आ गया, इसका देखिए, इसका CnH2n-2 होता है, याद कर लीजिए। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है कि नहीं, देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड, याद रखिएगा एल्केन में कौन बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन में आता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में आता है ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिएगा। पूछता है भैया एल्काइन में, ए विद्यार्थी जी पूछता है, शुभ शुभ बोलिए, एल्काइन में 3 बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंधन आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, और एल्केन में फर्स्ट बॉन्ड आता है, एकल बंधन। चलिए इसको हटा देते हैं। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त के बारे में पूछा है, तो देखिए C2H4 दुगना हो गया, दुगना C2H24, ये देखिए एल्कीन पे जा रहा है, C2H4, ये आंसर है इसका, दू का सी। बहुत सारा आंसर सही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए आप तीसरा में, तीसरा पढ़ लीजिए। गर्दा उड़ा देंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, जवाब देंगे। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? अरे भैया, ईंधन के रूप में किसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जरा एक बार पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। तो ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इथेनॉल को। अरे किसके करते हैं, इथेनॉल का। ए नंबर आंसर है,
किस यौगिक को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो गया इथेनॉल। किसको करेंगे, किस रूप में ईंधन के रूप में इथेनॉल को, किसको इथेनॉल को करेंगे, हो गया तीसरा का। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा के बाद चौथा में आइए। आज हम लोग का लक्ष्य है मित्र 80 तक पहुंचना, 80 तक। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है बी नंबर घास, बकरी तथा मानव। एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, एक बार पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा भैया। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो ये घास बकरी तथा मानव, घास बकरी तथा मानव, घास मछली बकरी नहीं होगा, बकरी गाय हाथी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर इसका बी, बी राइट आंसर है, बी बहुत सारा आंसर सही। पांचवा जैसे ही आएगा आपको आंसर भेज देना है, पांचवा जैसे ही आएगा तो आंसर क्या करना है भेज देना है। चलिए पांचवा नंबर आइए, पांचवा में हम लोग देखेंगे, पांचवा देखिए, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या चार होती है, क्या होती है चार, ये आंसर याद होना चाहिए। जो मानव हृदय हम लोग के है ना जी, उसमें कितना कोष्ठक होता है, तो चार कोष्ठक होता है। मानव हृदय में कितना कोष्ठक, तो चार कोष्ठक, याद हो गया, याद हुआ आपको, याद करना है, एग्जाम का हम तैयारी करवा रहे हैं, 90 से ऊपर मैथ में भी दिलवाएंगे और 90 से ऊपर साइंस में, जुड़ जाइए दिशा क्लासेज के। गर्दा उड़ा देना है। आगे जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर पांचवा के बाद छठा, क्वेश्चन नंबर पांचवा के बाद छठा मांगेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अपचयन होता है, याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना कहलाता है। सुनिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अरे सुनिए भैया, सुनिए, टकटकी लगा के सुनिए, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, चलिए ठीक है, और उसमें जब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी, तो ये क्या होगा, तो जब ऑक्सीजन के कमी होता है, तो इसको अपचयन बोलते हैं। और एक बात और, जब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, अरे ऑक्सीजन माने O2 यार, ऑक्सीजन का अगर वृद्धि हुआ भैया, तो ये हो जाएगा उपचयन, और एक बात, ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का कमी, तब भी हो जाएगा आपका क्या, उपचयन होगा। लेकिन इसका जस्ट विपरीत, अगर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास या ऑक्सीजन का कमी और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, तो ये क्या कहलाएगा ठाकुर, अगर ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि, तो ये कहलाएगा आपका अपचयन, क्या कहलाएगा अपचयन, याद रखिएगा। इसका आंसर भी है। आगे चलिए, छठा के बाद सातवां आइए, सातवां में। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, बताना है आपको, जल्दी बताइए, ये तो याद होना चाहिए भैया, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, तो कितना होगा, 18 होगा। मतलब आवर्त मतलब होता है ना, जो उठल उठल रहता है, तो ऐसा कई गो आधुनिक आवर्त सारणी में 18, याद रखिएगा भैया। और वर्ग की ये, और क्षैतिज कतार कितना है, तो 7 है, याद रखिएगा। चलिए 7 के बाद 8 में आई, 7 के बाद 8 बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिए अच्छा, हम टाइम दे रहे हैं, पढ़ लीजिए। खाद पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है, देखिए खाद पदार्थ का जो डिब्बा आता है, अरे भैया खाद पदार्थ का जो डिब्बा, ये नहीं कि जो सालपीट छींटते हैं उसका बात कर रहे हैं, नहीं, जो खाद माने खाने वाला जो सामग्री आता है, वो बहुत सारा डिब्बा आता है जिसमें जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, तो क्योंकि देखिए सी नंबर पढ़ लीजिए, इसका आंसर यही सी है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, अरे टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए गड़बड़ी क्या है,
कि जिंक है जो ज्यादा भी क्रियाशील है, तो खाना उसमें जो रहेगा हो सकता है उससे अभिक्रिया कर ले, हो सकता है उससे क्या कर ले, अभिक्रिया कर ले, कौन, जिंक। लेकिन टीन है जो कम अभिक्रियाशील है, तो खाना जो उसमें रहेगा उससे उसमें कम अभिक्रियाशील वो कर सकता है, इसलिए किसका लेप किया जाता है, टीन का। खाद पदार्थ के डिब्बों में, खाद पदार्थ के डिब्बों में जिंक के जगह टीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सी नंबर, आठ का सी, आठ का सी, आठ का सी। चलिए नौ नंबर में आइए, नौ नंबर, नौ, नौ के बाद दस पहुंच जाएंगे, दस पहुंच जाएंगे, दस 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 दस, चलिए दस में। निम्नांकित में से कौन पुनरुभेदन का उदाहरण है, पुनरुभेदन, पुनरुभेदन का उदाहरण कौन सा भैया, आंसर बताइए, इसका आंसर कौन होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए पुनरुभेदन का, आंसर मारे, आंसर 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 घुर गया, देखिए हाइड्रा, हाइड्रा आंसर इसका हाइड्रा होगा। पुनरुभेदन का उदाहरण है हाइड्रा, स्पाइरोगैरा नहीं है, अमीबा नहीं है, और भैया ये क्या आ गया, हाइड्रा है। दिस इज खूबसूरत आंसर ए, ए, ए। पढ़ लीजिए इसको एक बार, पढ़ लीजिए। दसवां रहा है, दसवां, दसवां, उसके बाद तो सत्तर क्वेश्चन बचेगा, उसके बाद मात्र सत्तर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दसवां पढ़ लीजिए एक बार, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आंसर जल्दी पढ़िए और आंसर, आंसर जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी जल्दी एक बार पढ़िए। इसका आंसर हम बता रहे हैं, आंसर इसका हम लिख देते हैं बोर्ड पे, इसका आंसर भैया लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, जल्दी कीजिए आप, बताइए। बहुत सारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। चेचिस, चेचिस तगड़ा कीजिए, चेचिस एकदम तगड़ा करना है भैया, आंसर लिख रहे हैं, क्या ए होगा तो नहीं होगा, बी होगा तो नहीं होगा, तो डी होगा तो नहीं होगा, तो कौन होगा भैया, सी होगा, सी सी सी। इसका आंसर क्या हो गया जी, इसका आंसर क्या हुआ भैया, सी सी सी, सी द राइट आंसर, सी, आधे 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 हो गया, आधे। एक बार क्वेश्चन और अच्छा से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार याद कीजिए, हीट क्वेश्चन कर रहे हैं, हीट क्वेश्चन, हीट क्वेश्चन, यही सब एग्जाम में पूछेगा, अरे यही सब एग्जाम में पूछेगा, जो हीट क्वेश्चन कर लिए दिशा क्लास के, मतलब जड़ी बूटी, जड़ी बूटी जो कर लिए, हीट क्वेश्चन जो कर लिए, जो जड़ी बूटी कर लीजिए, यकीन मानिए गर्दा उड़ा दीजिएगा, जब बैठिएगा एग्जाम में तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बनावे और कौन छोड़े, कौन बनावे और कौन छोड़े। चलिए ग्यारह नंबर में आइए, ग्यारह नंबर, ग्यारह, ग्यारह नंबर में आइए, ग्यारह ग्यारह, यहां जरा देख लीजिए, यहां पे, यहां पे, यहां पे, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मतलब सल्फर जो है उसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, सल्फर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चार होता है क्या, नहीं होता है, पांच होता है क्या, नहीं होता है, सात होता है क्या, नहीं, तो इसका भी आंसर सी है, छह। सल्फर जो है भैया, सल्फर जो है, सल्फर 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 माने गंधक, इसका बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पांच, सॉरी छह इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, छह इलेक्ट्रॉन, आंसर आंसर इसका सी है, ये सल्फर के बाहरी कक्षा में छह इलेक्ट्रॉन, याद हो गया, याद हो गया, आगे बढ़ते हैं, याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझ में आ रहा है, यस या नो लिख दीजिए, पहले यस या नो लिखिएगा, यस या नो, समझ में आ रहा है या नहीं, यस या नो, यस या नो, जल्दी लिखेंगे, यस या नो, यस या नो। शेयर, शेयर तो करना भूलना नहीं, शेयर अधिक से अधिक विद्यार्थी, आज सौ पार को होना चाहिए, कल अस्सी पार हुआ था, आज सौ, ये जिम्मेवारी भैया आपका है, ए विद्यार्थी जी, ये जिम्मेवारी किसका है, आपका है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 11 के 12 में जैसे ही आएंगे आंसर हमको चाहिए, हमको आंसर चाहिए, हमको आंसर, आंसर जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में, एक अणु में, एक अणु में, आंसर 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 जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, क्या है इसका आंसर, तो ग्लूकोज के एक अणु में आंसर बता देते हैं, आंसर बता देते हैं, बी होगा, आंसर भी होगा छः, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितना होता है, तो छः होता है, छः छः छः, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। फॉर्मूला, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो देख लीजिए C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का ये आणविक सूत्र है, तो यहाँ देखिए कैगो ऑक्सीजन है इसमें, कैगो है, छः, छः आंसर है, छः आंसर है। चलिए छः आंसर हो गया, याद हो गया, ग्लूकोज के एक अणु में कितने कितने ऑक्सीजन का होते हैं, तो छः गो आंसर। चलिए तेरह में आइए, तेरह में जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ लीजिएगा आंसर क्वेश्चन। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, तो दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखते हैं तो हमेशा हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, हमेशा क्या लिया जाता है, ऋणात्मक। आप सोच लीजिए, दर्पण के अगर सामने रहे, वो अवतल रहे या उत्तल रहे या समतल रहे या कोई दर्पण रहे, अगर दर्पण के आगे है भैया वस्तु, बिंब मतलब वस्तु,
तो हमेशा निगेटिव ऋणात्मक में होगा। आंसर भी है, एक बार आप पढ़िए, एक बार आप 13 के बाद 14 में आएंगे। पीत रस, ये तो आ रहे भैया, ये आपको याद है। पीत रस कहां स्रवित होता है? आपको याद है, याकृत में होता है। याकृत में पीत रस कहां से स्रवित होता है? याकृत से, याद रखिएगा, याकृत से। ये बहुत बार पूछ चुका है। पीत रस कहां से स्रवित होता है? याकृत से। पीत रस कहां से स्रवित होता है याकृत से। याद रखिए। चलिए आगे चलिए, हम बढ़ा देते हैं आगे। 14 के बाद 15। ये देखिए, जल्दी कीजिए और इसका आंसर भेज दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी, अरे भैया मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। आंसर, ये आपको याद है। मलेरिया के लिए कौन सा परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम है। कौन सा है जी? मलेरिया का कौन सा है? तो देखिए प्लाज्मोडियम होता है। अरे क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ये हो गया क्लियर। चलिए 15 के बाद आते हैं 16 में। एक बार पढ़ लीजिए, 16 पढ़ लीजिए। आंसर मारिए। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत को, भैया एल्युमिनियम पर मोटी परत के बनने की क्रिया को कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। याद रखिए। क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए, क्वेश्चन एक बार। एल्युमिनियम पर जो मोटी परत जमता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड के। जैसे मान लीजिए ये एल्युमिनियम है आपका, ये क्या चीज है? एल्युमिनियम है। और इस पर ये ऑक्साइड का मोटी परत जम गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एनोडीकरण हो गया। क्या हो गया भैया? एनोडीकरण। आंसर। चलिए आगे बढ़िए 16 के बाद 17 पढ़िए। ये तो देखिए पिछला क्लास में भी करवाएं। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है। आंसर, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु। तो ये नहीं कि 25 सेंटीमीटर मार दीजिएगा, अनंत होता है दूरबिंदु। अनंत देखिए, अनंत तक आकाश को देखिए, तो ये हो गया आपका अनंत। आंसर, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है जी? अनंत होता है। चलिए 17 के बाद 18। चलिए जल्दी क्वेश्चन पढ़िए। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा गैस है? तो सबसे खतरनाक जो अभी चल रहा है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा है। तो वैश्विक उष्मन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर 18 का ये। चेचिस को तगड़ा कीजिए। 18 के बाद 19। जब तक 80 पूरेगा नहीं, जब तक मोबाइल को छोड़ना नहीं है। आज का लक्ष्य है हम लोग का कितना? 80। तो ये देखिए, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो ये देखिए थर्मोकोल। देखिए केले को छिलका तो सड़ा गला सकते हैं, टिश्यू पेपर को सड़ा गला सकते हैं, लेकिन थर्मोकोल को सड़ा गला नहीं सकते। तो आंसर होगा इसका क्या? थर्मोकोल। इसका आंसर क्या है भैया? थर्मोकोल। अजैव निम्नीकरणीय कौन है? थर्मोकोल। थर्मामीटर नहीं, थर्मोकोल है। चलिए 19 के बाद 20 में आइए। 20 आंसर जल्दी बताइए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन, आयु जी पानी ला के देंगे यहाँ पे। जल देखिए, यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। इसका आंसर पे विचार कीजिए क्या होगा? बी उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। 20 के बाद क्या आ गया? 21। 21 जल्दी पढ़ लीजिए, तब तक हम जल पी लेते हैं, थोड़ा जल पी लेते हैं, जल्दी करेंगे। चलिए 21 का आंसर बता दीजिए आप। 21 के जल्दी आंसर बताइए। चेचिस थोड़ा गर्म हो जाता है, ठंडा करना पड़ता है पानी से। देखिए तो इसका आंसर भैया बढ़ता है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने से, समानांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों की संख्या हम घटा दें तो उससे जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। याद कर रखिएगा, बढ़ेगा। यहाँ पे आगे बढ़िए। 21 के बाद 22 जल्दी पढ़िए, ये तो आपको याद होना चाहिए। ये आपको याद है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आंसर हम यहाँ देखिए लिख रहे हैं। आंसर है एक मृत जीवी। क्या चीज है?
कवक है जो मरे हुए जीव जंतु को खाता है, मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये आंसर हो गया मृत जीवी, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर इसका राइट आंसर है, ए नंबर। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 22 के बाद 23, 23 पढ़िए जल्दी, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे क्या इसका आंसर है, तो बी नंबर। एक बार पढ़ लीजिए अच्छा क्वेश्चन, बी नंबर, 23 का बी, 23 का भी आ गया, 23 का भी, गर्दा उड़ा देंगे, जब तक मोबाइल छोड़ना नहीं है, जब तक 80 तक नहीं पहुंचेंगे, गर्दा उड़ाना है, गर्दा उड़ाना है, गर्दा, गर्दा, गर्दा। 23 के बाद 24 में आइए, 23 के बाद 24, जल्दी पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, एकदम एकदम चेचिस को इतना तगड़ा कीजिए मित्र कि एकदम नजर कहीं नहीं करना है, नजर के सामने और जिगर के पास सिर्फ यूट्यूब को अभी रखना है, अबोध सर के चैनल, अबोध सर के चैनल दिशा क्लासेज, दिशा क्लासेज मार देना है। निम्न में से, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, संवेदी ग्राही कौन नहीं है, मतलब कौन सेंसेटिव नहीं है, संवेदी नहीं, कान है इससे हम कुछ महसूस करते हैं, सुनते हैं, आंख है ये संवेदी है, अरे भैया नाक भी है इससे हम कुछ अनुभव करते हैं, सूंघते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन यार दिमाग का तो हमको गड़बड़ लग रहा है, वो तो अंदर का बात है, अंदर का बात है, नाक से, नाक से, कान से, आंख से, जिह्वा से, त्वचा से जो कुछ होता है वो सूचना कहाँ जाता है, दिमाग में जाता है। तो आंसर इसका हो गया डी, आंसर इसका क्या हो गया डी, आंसर हो गया डी, संवेदी ग्राही ये है, ये भी है, ये कौन नहीं है, तो दिमाग नहीं, आंसर क्या होगा दिमाग। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे 24 के बाद 25 में, 24 के बाद 25, जल्दी कीजिए, जल्दी करिएगा, 24 के बाद 25, 24 के बाद 25, ये देखिए एक बार पढ़ लीजिए, पहले एक बार पढ़िए जल्दी, एक बार जल्दी पढ़ लीजिए, एक दर्पण समानता बहनों के पांच दृश्य दर्पण में, पांच दृश्य दर्पण में देखिए भैया उत्तल दर्पण, आप जानते हैं पांच है, मतलब इसको साइड मिरर भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं साइड मिरर, इसको साइड मिरर भी बोला जाता है, याद रखिएगा साइड मिरर में किस दर, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो क्या होगा उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। चलिए 25 के बाद आइए हम लोग 26 में, 26 जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़िए जी, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, जल्दी हम मार लेते हैं आंसर, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, आंसर लिख देते हैं ए, आंसर ए होगा लाल, आंसर ए होगा लाल, सबसे तरंग दर्ज सबसे ज्यादा किसका होता है लाल का, सबसे ज्यादा तरंग दर्ज किसका होता है लाल का, लाल का, लाल का। चलिए आगे बढ़ाते हैं, वो 26 के बाद 27 में आइए, 26 के बाद किस में आइए भैया 27 में आइए, समझात अंगों का उदाहरण है, अरे ये तो याद होना चाहिए, अल्लू, अल्लू और घास के ऊपरी भू भू स्तरी, अल्लू और घास के भू स्तरी, याद रखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, एक बार और पढ़िए, मेरा कहा मानिए, दो तीन बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, दो तीन बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, ताकि एकदम दिमाग में आपका बैठ जाए, दिमाग में आपका क्या हो जाए बैठ जाए। जल्दी करेंगे भैया, जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी करेंगे, 27 के बाद 28 में आइए, जल्दी मार दीजिए 28 का क्वेश्चन आंसर, जल्दी मारिए 28 का, जल्दी मारिए। ये देखिए उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो बायोगैस है भैया, इससे देखिए कोई भी ये क्या बोलते हैं उसको प्रदूषण नहीं होता है, बायोगैस से प्रदूषण संभव नहीं है, बायोगैस से अच्छा बायोगैस होता है। 28 का कौन आ गया बायोगैस, 28 का कौन आ गया बायोगैस। चलिए हम लोग 28 के बाद 29 में आते हैं, 29 जल्दी पढ़ लीजिए एक बार, जल्दी पढ़ लीजिएगा 29 नंबर जल्द, तो हम लोग 29 नंबर पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए एक बार अच्छा सा आंसर, अच्छा से इसका आंसर पढ़ लीजिए एक बार, अच्छा से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पहले पढ़िए, आंसर जल्दी टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट करके भेजिए, जल्दी कमेंट, बहुत सारा के देखिए गलत भी आ रहा है, बहुत सारा के भैया गलत भी आ रहा है, बहुत सारा के गलत आ रहा है, जल्दी जल्दी शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, जल्दी करेंगे, जल्दी करिएगा, जल्दी करेंगे भैया। ए सुनिए सुनिए सुनिए, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, उठो जागो तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जल्दी कीजिएगा। कौन सा अंतःस्रवी और बाह्य अंतःस्रवी जैसा कार्य नहीं करता है, तो इसका आंसर हो गया अग्नाशय, आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए, अच्छा पढ़ लीजिए, चलिए आगे बढ़ाते, चलिए आगे नंबर बढ़ाते हैं, 29 के बाद 30 में आइए, 30 के आइए, 30 का, 30 का, 30 का। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, अरे फ्लेमिंग का जो नियम है
ये फ्लेमिम के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करता है, तर्जनी उंगली जो होता है संकेत करता है। तो ये याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी किसको करता है भैया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक बार आप पढ़िए, एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार आप पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ना और याद रखना है, याद कमेंट करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम डाल दीजिए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक डाल दीजिए। 29 के बाद 30, 30, 31 आ गया, 31, 31, 31, 31 जल्दी कीजिए, 31, 50 पूरेगा ताली मार दीजिएगा, अर्धशतक जब कर लेंगे तब। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, गंगा जी के प्रदूषण, गंगा मैया जो है, अरे मेरा गंगा मैया जो हम लोग के हैं उसमें डुबकी लगाने से सब पाप क्या दो धुल जाता है, सही बात है भैया, देख लीजिए। ऐसा मान्यता है गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली पालन, गंगा में मछली पालन तो बहुत अच्छी बात है, उसमें जो व्यर्थ चीज रहता है उसको खाता है, कीड़ा मकोड़ा को जो भी कुछ रहता है व्यर्थ चीज अवांछित चीज उसको क्या करता है, खा लेता है मछली लोग, तो आंसर ये होगा। 31 का आंसर क्या हो गया, ए। चलिए 31 के बाद 32 में आइए, 31 के बाद 32 में पढ़ लीजिए, एक बार पहले पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़िए। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर। देखिए भैया, पुष्प का किसका, पुष्प का नर जनन भाग जो है वह पुंकेसर होता है, फूल का जी, फूल का आंसर है पुंकेसर, पुंकेसर। चलिए 33 नंबर में आइए, 32 के बाद 33 पढ़ लीजिए एक बार अच्छा से, पढ़ लीजिए एक बार अच्छा से, क्या क्वेश्चन कहा है पढ़ लीजिए। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, अरे भैया दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमको ऐसा लगता है कि आंसर इसका बी होगा, उत्तल लेंस राइट आंसर है। बहुत सारा आंसर से जा रहा है, कमेंट फास्ट रहना चाहिए, कमेंट क्या होना चाहिए, फास्ट, उठो जागो तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आज हम लोग का लक्ष्य है मित्र 80 तक पहुंचना, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ाते। तो इसका हो गया, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, याद हो गया आपको। 33 के बाद 34 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ये तो बहुत ही लाजवाब है, हमेशा पूछता है ये, हमेशा पूछता है। विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, ये किसका है भैया, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, क्लियर। चलिए आगे 34 के बाद 35 जल्दी इसका कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, अरे तो ये जो छार है, ये छार है, छप्पर छार दीजिए एकदम, क्या कीजिए, नंबर ला के एकदम छार दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम छार दीजिए। ये देखिए इसका आंसर होगा छार, क्या होगा, छार, बी नंबर। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो छार है, चलिए खतरनाक प्राणी छार है, छार है। 35 के बाद 36, अरे यार इसमें कौन है आंसर, खूबसूरत आंसर, कौन सा भी लक्षण अंग वंशागत नहीं है, वंशागत कौन सा नहीं है भैया, तो बाल की प्रकृति जो होता है वह वंशागत नहीं होता है, बाल की प्रकृति जो होता है वह वंशागत नहीं होता है, मतलब अनुवांशिक नहीं होता है, वंशागत मतलब होता है अनुवांशिक, तो यह अनुवांशिक नहीं है। चलिए 36 के बाद 37 में आइए, आंसर मारिए इसका, आंसर। अरे आंसर का प्यासा है, आंसर। शुद्ध जल का पीएच भैया 7 होता है, क्योंकि जो जल शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, अरे शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन। तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो 7 होगा, पीएच मान कितना होगा, 7। 37 के बाद 38 को पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ लीजिए, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, खाली आंसर मारेंगे, इसका आंसर मारेंगे, जल्दी कीजिए। सबसे अधिक अभी क्रियाशील कौन है, तो देखिए हम आंसर मार रहे हैं, ए हाँ मीथेन,
इसका नाम क्या है? मीथेन, CH4। 38 का ये सबका सही आंसर जा रहा है, इसका बिल्कुल सही है। लगता है सब याद किए हैं। आप लोग बहुत होनहार हो गए, पढ़ने में बहुत तेज हैं, आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, आगे बढ़िए। 80 आज का लक्ष्य है, 80 आज का लक्ष्य है भैया। आज का हम लोग का लक्ष्य कितना है? 80। गर्दा उड़ा देना है। क्या उड़ाना है? गर्दा उड़ाना है। जो दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, पहले लाइक कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभ उठा सके। 90 से ऊपर का बात कर रहे हैं, साइंस में और मैथ में दोनों में 90 से ऊपर का हम काम करवा देंगे, एग्जाम तक। ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, हो गया तो हो गया, क्लियर। आगे बढ़ा देता हूं। चलिए देखिए भैया, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, कितने बंधन होता है? चलिए आंसर। अरे हाइड्रोजन के बीच एक ही होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितना होता है? एक बंधन होता है। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। 40 आ गया, 80 के आधा 40। अरे विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ये तो देखे याद होना चाहिए। हो सकता है पूछ दे। क्वेश्चन 2021 वाला में जो 17 तारीख के होने वाला है उसमें डाल दे। पहला दिन साइंस है, डरना नहीं है। जो मेरे साथ चलेगा वो डर को खत्म कर देगा, उसको डर को जीतना पड़ेगा, डर को उसको काट के फेंक देना पड़ेगा। समझे बात को? सुनिए, जो डरा नहीं वही जीता है। सब खरगोश नहीं है भैया कि सब दौड़ल चले जाएगा। शेर एक होता है जो डरता नहीं है। मर तो मर जाएंगे लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद, हमारे रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारा ऐसा वीर पुरुष हैं भैया जो मौत को गले लगाए और डरे तक नहीं। तो आपको 17 तारीख के लिए डरना नहीं है, यकीन मानिए। दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और जितना मेरे द्वारा दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको रट डालिए, यकीन मानिए 90 पार कीजिएगा। 90 पार कीजिएगा, बेहतरीन बात है भैया, बेहतरीन है। आज सुबह क्या कर रहे हैं भैया बोल रहे हैं। देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है यूनिट, याद रखिएगा, यूनिट। चलिए 40 के बाद अब 40 क्वेश्चन और बचा है। 40 को मोबाइल तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हम लोग इसको काम नहीं कर दे। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है। अरे तो ये तो होता है लवण युक्त, थोड़ा नमकीन रहता है, नमकीन लवण युक्त रहता है, क्या रहता है? लवण युक्त रहता है। आंसर हो गया बिल्कुल लवण युक्त आंसर। दांतों को साफ करने में, अरे जो कोलगेट ये सब रहता है भैया, जो दंत मंजन रहता है उसमें लवण युक्त चीज डाला हुआ रहता है। चलिए सी नंबर आंसर। चलिए 41 के बाद 42 में आइए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन का आंसर 7। क्लोरीन का Cl 17 इसका परमाणु संख्या, इसका बाहरी कक्षा में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के कल मिलेंगे, क्लोरीन मतलब कल फिर मिलेंगे भैया। सुबह में भी मिलेंगे और शाम में भी मिलेंगे। सुबह में भी अब मिलना पड़ेगा और शाम में भी, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, ऐसे काम क्या चलेगा? आप बोलिए क्या इस तरह से अगर टाइम हम देंगे तो जो हम बोल रहे हैं कि 90 पार करेंगे, करा पाएंगे? नहीं, कम से कम आपको दो टाइम हमको देना पड़ेगा, एक सुबह देंगे एक शाम। आपका मोबाइल में नेट होना चाहिए, नहीं है तो भैया देखिए 10-15 दिन अगर एक्स्ट्रा नेट आप भरवाते हैं, 30-20 रुपया के हिसाब से डेली अगर भरवाते हैं तो आपको, हमको लगता है 150-150 लगेगा, लेकिन आपका तैयारी मैथ और साइंस का बेहतरीन तरीका से हो जाएगा। इसलिए नेट एकदम फुल रहना चाहिए, फुल गर्दा उड़ा दीजिए एकदम गर्दा। आप बताइए यार, बंदूक रहेगा और गोलिये नहीं रहे, मोबाइल रहेगा और उसमें नेटे नहीं रहेगा तो दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल देखेगा, अब देखेंगे नहीं तो 90 नंबर में दिक्कत हो जाएगा। अरे चेचिस गरमा नहीं जाएगा, ठंडा आ जाएगा। चेचिस गरवाना है
तो नेट भरवाना है और नेट भरवा के 90 से ऊपर लाना है। चलिए आगे 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 चलिए 42 के बाद 43 में आए, 42 के बाद 43 में, 42 के बाद किस में आएंगे 43 में। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो भैया केरल का है, केरल का। देखिए बिहार का जो सिंचाई का व्यवस्था है या जल संग्रह का, उसको हम लोग अहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहरा या पाइन भी बोला जाता है। पाइन के अहरा के द्वारा, अहरा के द्वारा, अहरा में हम लोग संचय करते हैं। बिहार में, बिहार में अहरा बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है? अहरा या इसी को छिलका भी बोलते हैं भैया, जो कूद कूद के हम लोग बचपन में नहाए हैं। अहरा छिलका है, आपका भी गाँव में अहरा है, हमको पता है, पता है। यहाँ देखिए, लेकिन केरल जो है, केरल में जहां पानी संग्रह किया जाता है उसका नाम दिया गया सुरंगम। क्या दिया गया? सुरंगम। अरे क्या दिया गया? सुरंगम। चलिए आगे आगे, केरल वाला को सुरंगम बोलेंगे, आदमी को नहीं, वहां पानी जो संचय होगा उसको। चलिए, वायुमंडल में प्रकाश के कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है? अधिक परिकर्णन वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग करता है भैया? नीला, 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 नीला। आंसर, आंसर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है? नीला। देखिए एक क्वेश्चन मार्क को 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इन्हें कि एक बार पढ़े और आंसर सिर्फ टाइप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना और आंसर टाइप करते जाना, इससे क्या फायदा होगा जानते हैं? अरे बार बार एक चीज को देखने से याद हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। अरे उतना कठोर रस्सी पर बार बार रस्सी आने से और जाने से क्या पड़ जाता है? निशान पड़ जाता है। तो क्या बार बार देखने से और बार बार अभ्यास करने से क्या हम लोग इस पे निशान नहीं छोड़ देंगे? हम लोग क्या छाप नहीं छोड़ देंगे? क्या हम लोग 90 से ऊपर नहीं लेंगे? यकीन मानिए जरूर ले आएंगे, लेकिन दिल में, ये दिल में और दिमाग में नेक इरादा होना चाहिए, परवल इरादा होना चाहिए, एकदम इच्छा शक्ति एकदम मजबूत होना चाहिए। इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति एकदम क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मित्र इच्छा शक्ति का होना बहुत क्या है? जरूरी है। इच्छा माने हमको सोचना है कि ये काम करना है और उस पर एकदम कूद जाना है, ये नहीं कि जाके वहां पे एकदम कूद जाना, नहीं। अरे उस पर मेहनत करना है भैया। क्या करना है? मेहनत। आगे बढ़ जाऊं। चलिए बढ़ जाए, 44 के बाद 45। उठो जागो तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। चलिए आगे, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक। अरे आप तो जानते हैं विद्युत आवेश, आवेश है, आवेश, आवेश का आवेश, आवेश। ओम जी हैं, ओम, सॉरी कुलम जी, कुलम जी, कुलम जी। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कुलम, कुलम, कुलम। अब विद्युत धारा कैसा ही मात्रक, विद्युत धारा कैसा ही मात्रक, विद्युत धारा कैसा ही मात्रक। चलिए हम यहाँ पे सबका लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। वोल्ट देखिए होता है विभवांतर का, विभव, विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, याद है आपको। ओम होता है आप जानते हैं प्रतिरोध का। अरे ओम का नियम 5 नंबर में पूछता है, ओम का नियम को सत्यापन करें, ओम का नियम का सत्यापन 5 नंबर में पूछता है। गर्दा एगो आउट कर दिए, क्वेश्चन आउट कर दिए, 5 नंबर ओम के नियम, ओम के नियम रट लेना, ओम के नियम रट लेना है 5 नंबर में। एम्पियर किसका होता है? एसआई यूनिट। तब विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। और कूलम किसका होता है भैया? आवेश का। तो यही आंसर हो गया इसका, आवेश, आवेश, आवेश। 45 का डी, 45 का डी आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, ले लीजिए, नहीं तो एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। ये देखिए चारों में से हर साल एगो आता है। अरे भैया चारों में से एगो हर साल आता है तो क्यों नहीं अभी हम याद कर ले? आप भी याद कर लेंगे, जल्दी पढ़िए। बोल्ट का विभव और विभवांतर किसका होता है? बोल्ट का होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा कोम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और आवेश का ठाकुर कुलम होता है। आगे बढ़ा दें, चलिए आगे बढ़ा देते हैं। 45 के बाद 46, 45 के बाद 46। गर्दा उड़ा देना, गर्दा उड़ा देना भैया, गर्दा। सामान्य अनुशीथिलन रक्त दाब है, और समान अनुशीतलन दाब 120 है। कितना है? 120 है। समान अनुशीतलन दाब 100 क्या है? 20 है। याद रखिएगा समान अनुशीतलन दाब कितना है? 120। सी नंबर आंसर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर आंसर है भैया, सी नंबर है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं आगे। चलिए 46 के बाद 47। जैसी अर्धशतक आएगा ताली मार देना है। अर्धशतक आने वाला है, अर्धशतक आने वाला है, ताली मार देना। अरे घर में बैठे ना तो घर में ताली मारिए, ताली एकदम गर्दा उड़ा के मारना है, ताली मारना, ताली मारना है, गर्दा उड़ा देना है एकदम। यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है भैया? कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। पादप मतलब होता है पेड़ पौधा वाला। तो देखिए इंसुलिन तो आदमी में होता है जी, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये भी आदमी में है, मतलब महिला में होता है, महिला में, महिला में।
ये देखिए थायरोक्सिन गला का, गला में होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो होता है, यहाँ देखिए इंसुलिन भी होता है, लेकिन साइटोकाइनिन पेड़ पौधा वाला है, पेड़ पौधा का, पेड़ पौधा पादप का, पादप का, पेड़ पौधे का, पादप का, या आंसर याद कीजिए साइटोकाइनिन, पादप हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन। चलिए आगे 48, दो बचा है, अर्धशतक में दो बचा है। चलिए यहां देखिए, यहां देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करेगा। चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है भैया, तो इस पर नहीं करता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर ये निर्भर नहीं करता। इससे कोई लेना देना नहीं है कि चालक तार में कितना ये क्या जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है, उससे कोई लेना देना इसको नहीं है। तो इसका आंसर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, तो इसमें तो किसका किस पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, इसका आंसर डी। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। चलिए 49, अब अर्धशतक में एक है, ताली मारना है उसके बाद ताली मारना है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, यह तो याद होना चाहिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र भैया देखिए Na2CO3 × 10H2 है, Na2CO3 × 10H2 यही आंसर है, याद कर लीजिए। ये पूछता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, Na2 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 CO3 10H2, दिस इज खूबसूरत आंसर। 49 के बाद किसमें, 50 में आएंगे, 49 के बाद किसमें आएंगे भैया, 50 में, 49 के बाद किसमें, रुधिर का कौन सा अव्यय रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, कौन सा, तो प्लेटलेट्स है। देखिए जब हम लोग के कटता उठता है, कहीं पे भी कट उठ जाता है तो जो ब्लड आता है तो देखते हैं बाद में थक्का हो जाता है वहां पे, जिसको हम लोग अपना आम भाषा में खोराठी बोलते हैं, एक काला जैसा वहां बन जाता है, जो तो वहाँ जो थक्का जम जाता है खून, उस प्लेटलेट्स के कारण होता है, वो ब्लड में हम लोग का प्लेटलेट्स रहता है जिसके कारण रुधिर का रक्त थक्का जम जाता है। और एक बात और देखिए, प्लेटलेट्स डाउन होता है तो हम लोग के बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता है, डेंगू मच्छर काटता है तो प्लेटलेट्स का क्या हो जाता है, कमी होता है, बुखार उखार लगता है तो प्लेटलेट्स के क्या होता है, कमी होता है, और अगर नारियल का पानी जो रहता है, डाब जिसको बोलते हैं, डाब अगर पी लेंगे हम लोग तो थोड़ा प्लेटलेट्स क्या करता है, ज़्यादा बढ़ाता है। आगे बढ़ा दें, आगे चलिए बढ़ा देते हैं भैया, आगे बढ़ा देते हैं। 50 के बाद 51 में आइए, गर्दा उड़ा देना है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन जो है जीवाणु से नहीं होता है, तो मस्सा जो हम लोग का होता है, मांस जो निकल जाता है वो जीवाणु से संबंधित रोग नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 51 का सी। अरे ज्यादा बढ़ गए, ताली नहीं मारे हम, भुला गए, तो ताली अर्धशतक हो गया, भुला गए, ताली मार दीजिए ताली। आगे 51 का सी हो गया। चलिए 52 में आइए और आंसर बताइए, 52 का आंसर बताना है आपको। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है भैया, तो मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है, ये गड़बड़, पैदल चलना सही है, साइकिल से चलना सही है, क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि देखिए पैदल चलने से प्रदूषण में गड़बड़ी उत्पन्न होता है, पैदल चलने से प्रदूषण होता है पर्यावरण में नहीं होता, साइकिल से होता है, साइकिल टायर से हवा उबा छोड़ता है क्या, तो नहीं छोड़ता, लेकिन मोटरसाइकिल भैया गड़बड़ है, उसका साइलेंसर जो पीछे से धुआं निकलता है ना जी, वो हम लोग के नाक में जाता है, फेफड़ा में जाके गड़बड़ करता है, नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग रोग ग्रसित होते हैं, हम लोग का उम्र थोड़ा घटने लगा, थोड़ा की बहुत घट गया। तो यहां देखिएगा, इसका आंसर हो गया आपका सी, 52 का। अब देखिए 53 में आइए, जब तक नहीं छोड़ना है जब तक 80 तक नहीं पहुंच जाए। देखिए गलनांक, किस धातु का गलनांक सबसे कम है भैया, तो यहां देखिए सोडियम का होगा, सोडियम को जब हाथ पे लीजिएगा ने जी, सोडियम को, किसको, सोडियम का गलनांक बहुत कम है, बहुत कम है, तो पिघलने लगेगा, क्या होगा भैया, पिघलने लगेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, लिथियम ये सब का भी थोड़ा गलनांक कम ही होता है। आगे जरा देखिए 53 के बाद 54 जल्दी पढ़िए, इसका आंसर हम खाली मारेंगे, आंसर बता रहे हैं, फोकस दूरी उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण बी, इसका आंसर है बी, उत्तल दर्पण। चलिए आगे 54 के बाद 55 में, निम्न में से कौन सा उपधातु है, इसको पढ़ लेना है, कौन सा उपधातु होगा, तो देखिए ये नहीं है, देखिए कार्बन को
ऐसे तो अधातु बोला जाता है, लेकिन कार्बन को उपधातु में भी रखा गया भैया, कार्बन को उपधातु में भी रखा गया, याद रखिएगा, याद रखिएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 56 में आइए, 56 में, 56 को जल्दी पढ़ लीजिए एक बार, 56 को जल्दी पढ़िए। कौन सा धातु कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाया जाता है? अरे अधातु का बात बोला, देखिए अगर अधातु आवे कमरे के ताप पर द्रव तो हो जाएगा ब्रोमीन, अगर धातु आवे तो आप जानते हैं भैया पारा होगा, एच जी, क्या होगा पारा, पारा पारा, और ये क्या चीज है आपका ब्रोमीन है, क्या चीज है ब्रोमीन है, तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, अधातु कमरे के तापमान पर, ये बहुत बार पूछता है, ये बहुत बार पूछता है, ये हो गया आंसर बी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे 56 के बाद 57 में आइए, 56 के बाद किस में आना है 57 में, 56 के बाद 57 में, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है भैया, तो ये तो है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, देखिए कोयला अगर जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, अगर लकड़ी को भी जलाएंगे तो होगा, लेकिन प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए अच्छा किसे माना जाएगा प्राकृतिक गैस को, सी नंबर आंसर। 57 के बाद आइए 58 में, 57 के बाद 58, एक बार पढ़ लीजिए जल्दी क्वेश्चन, पढ़ने के लिए 3 सेकेंड का समय देते हैं, पढ़ने के लिए 3 सेकेंड का समय, जल्दी आंसर भेजिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, प्रणहरित भी, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, इनमें से सभी के जरूरत पड़ता है, स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी का जरूरत पड़ता है, इनमें से सभी का जरूरत पड़ता है किसका, ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए आगे 58 के बाद 59 में आइए, 59 में उसके बाद 20 क्वेश्चन मात्र बचेगा, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो भी बराबर होता है भैया आई, भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर, भाभी आई आर, भी बराबर आई आर, यहां देखिए, यहां से अगर हम भी का मान निकालते हैं, भी का सॉरी आई का निकालते हैं, तो भी बटा क्या हो जाएगा यहां पे आर हो जाएगा बराबर आई, ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई है, देख लीजिए भी बराबर भी का मान भी बटार है यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए, आर को इस बार नीचे करेंगे, आई को नीचे करेंगे, तो भी बटा कितना आई बराबर आर, तो ये देख लीजिए ये कोई है क्या, ओह ये तो आंसर यही मिल रहा है भैया, भी बराबर आई आर हो गया, तो इधर उधर हम भटक रहे हैं, इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, भी बराबर डायरेक्ट क्या होता है आई आर, आंसर 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 आंसर, इसे के ओम के नियम इसी को बोला जाता है, ये क्या है ओम का नियम है, कौन नियम है ओम, नियम का सूत्र है, ओम का नियम का क्या है सूत्र है, एक क्वेश्चन देखिए और पूछा जाता है, ओम के नियम में किसे अचर रखा जाता है, तो ताप को, ताप को, ताप को, ओम के नियम में किसे अचर रखा जाता है, ताप, टेम्परेचर को, याद रखिएगा ताप, ये पूछता है, ये पूछता है। चलिए 59 के बाद 60, अब मात्र 20 क्वेश्चन बचा है, आंसर इसका, आंसर आंसर जल्दी पढ़िए और बोलिए, 3 सेकंड का समय पढ़ने के लिए। एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी, उड़हुल, उड़हुल, गुड़हल, ये गुड़हल है, गुड़हल है मतलब उड़हुल है, गुड़हल है मैंने उड़हुल है, वही वाला ललका ललका फूल जो रहता है उड़हुल है, ये देखिए आंसर, आंसर हो गया ए नंबर। एक लिंगी पुष्प कौन सा है भैया, गुड़हल है, गुड़हल, गुड़हल, यहाँ जरा देखिए 60 के बाद 61, अब हम लोग 80 के करीब जा रहे हैं, तब तक छोड़िएगा नहीं जब तक 80 नहीं पहुंचे। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, एक उभयलिंगी जंतु किसको है, केचुआ, केचुआ उभयलिंगी है, मतलब भैया केचुआ है ना, अगर उसका मन हुआ तो वो पुरुष बन जाएगा, पुरुष पुरुष, अगर उसका मन है भैया तो वो स्त्री भी बन जाएगा, मतलब दोनों का रूप उसमें होता है, वो आप इच्छा के अनुसार अपना लिंग को बदल सकता है, कौन केचुआ, कौन केचुआ, केचुआ। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अरे भैया केचुआ गौवा में जो चेहरा हम लोग बोलते हैं, चेहरा जो सांप जैसा चलता है, सांप जैसा जो चलता है, चलिए 61 के बाद आया किस में, 62 में, 61 के बाद 62, पढ़िए जल्दी, चे चीज को तगड़ा कीजिए, उठो जागो तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती, आज का लक्ष्य 80 क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सा है भैया, तो ये तो देखिए भैया जिब्रेलिन है, ये पादप में वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन, पौधों धो के बढ़ाने का कौन काम करता है, तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 62 के बाद आ जाइए किसमें, 62 के बाद किस में आना है, 62 के बाद किस में आना है,
63 में आना है, 62 के बाद किस में आना है भैया, 63 में, 63। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, एक बार इसको जल्दी पढ़िए, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? अरे भैया ये मीथेन है जी, अरे ये मीथेन है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन, CH4 होता है, मीथेन इधर से होगा, ऐसे लिखाता है मीथेन, देखिए ये CH4 ए नंबर, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन है, याद रखिएगा मीथेन, ये पूछता है। चलिए 63 के बाद 64 में, अरे 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 ये तो संगमरमर है, संगमरमर है, देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है आप जानते हैं? CaCO3। अरे ताजमहल किससे बनाया गया है? संगमरमर से बनाया गया भैया, संगमरमर से। कहां से संगमरमर लाया गया था? राजस्थान से लाया गया था, याद रखिए, कहां से लाया गया था ताजमहल को बनाने, जो संगमरमर यूज हुआ वो राजस्थान से लाया गया था। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे, 64 के बाद 65, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो भैया काला प्रतीत होता है। जब अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहता है तो उसको एकदम काला काला, एकदम काला रात नजर आएगा, क्या नजर आएगा? रात नजर आता, याद रखिएगा। चलिए 65 के बाद 66, मेरु रज्जु निकलता है। अरे भैया मेरु रज्जु निकलता है, अनुमस्तिष्क से निकलता है, अनुमस्तिष्क, जैसे ये आदमी है, ये आदमी है, ये दिमाग होगा यहाँ पर कहीं पर, और ये देखिए इसमें जो रहता है मेरु रज्जु रहता है, तो यहाँ से देखिए निकलता है, यहाँ से ये जो घूमल घूमल रहता है इसको मेरु रज्जु बोलते हैं, रीढ़ के हड्डी में, यहाँ से निकलता है अनुमस्तिष्क, ये जो पीछे देख रहे हैं सर का पीछे, यहाँ यहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है अनुमस्तिष्क से, मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से? अनुमस्तिष्क से। 67 नंबर पढ़िए जल्दी, जल्दी पढ़िएगा क्या गड़बड़ी है, जल्दी पढ़िएगा क्या गड़बड़ी है। आंसर हम यहां लिखेंगे, आंसर हम लिख देंगे भैया, आंसर एक बार पढ़ लीजिए, आंसर हम लिखते हैं, आंसर 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 लिख दें क्या? ए होगा, ए होगा, ए होगा, हाँ ए होगा, चलिए आंसर ए, ए बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। चलिए 5 सेकेंड, अगला क्वेश्चन जल्दी भेजिए, इसका जल्दी भेज दीजिए, इसका जल्दी भेजिए, आप कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, शेयर करते रहिए, शेयर बीच बीच में करते रहिए, देखते हैं लड़का आगे पीछे हो रहे हैं, कम विद्यार्थी होते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, जल्दी कीजिए। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? अरे भैया तो ये होता है 2n² पे निर्भर करता है, 2n² पे, बी नंबर आंसर, बी नंबर, देख लीजिए बी, एक बार आओ क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए और आंसर याद कीजिए, और क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और आंसर याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए क्या आंसर होगा इसका। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कौन सा फॉर्मूला से भरते हैं? तो 2n² पे। चलिए आगे 68 के बाद 69, उसके बाद 70 आएगा, उसके बाद 10 क्वेश्चन मात्र बचेगा, 10 गो गर्दा उड़ा देंगे फिर। यहां देखिए ओजोन परत की बात हो रहा है, कौन सा परत का बात हो रहा है? ओजोन परत का, देख लीजिए ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा करता है? अरे भैया पराबैंगनी किरण है, पराबैंगनी किरण, देखिए ओजोन परत, सॉरी ये सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है उसको ओजोन परत रक्षा करता है। जैसे देखिए ऊपर से आया जी, अरे ऊपर से किरण आया और परत है इसे ताने से उसको रोकता है, लेकिन क्या हो रहा है ओजोन में छिद्र हो रहा है, ओजोन में क्या हो रहा है भैया छिद्र हो रहा है, तो ये पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आता है जिसके कारण बहुत सारा रोग दुख क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मोतियाबिंद जो आंख में होता है, कैंसर ये सब होता है, ये सब के बहुत सारा कारण है ओजोन परत, ओजोन परत। और सबसे ज्यादा देखिए क्वेश्चन एक पूछता है यहां से, ओजोन परत को सबसे ज्यादा कौन सा गैस गड़बड़ उत्पन्न कर रहा है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़िए, 70 का आंसर, 70, अब 10 को बचा है, अब तो मोबाइल नहीं छोड़ना है, अब एकदम मोबाइल नहीं छोड़ना है, गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए भैया। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बढ़ते हैं? तो देखिए ऑक्सीजन का अगर परमाणु है तो इसमें भैया 3 आबंध बनेगा, अरे कई गो ठाकुर, त्रि आबंध, याद रखिएगा 70 का सी। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, जैसे हम कहते हैं उसे कीजिए, 90 से ऊपर का काम करेंगे। चलिए 70 के बाद 71 में आइए, अरे ये तो आपको याद होगा, ये आपको याद होगा, हम आंसर लिख रहे हैं, सिर्फ आंसर लिखेंगे। चलिए जल्दी कीजिए, आंसर ए होगा क्या? नहीं होगा। बी होगा क्या? नहीं होगा। सी होगा क्या? नहीं होगा। अरे भैया डी होगा, डी डी 7 से 7.8
7.8 रक्त का, हमारा रक्त का शरीर का जो खून है उसका पीएच जो होता है ये होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 72। अब नौ क्वेश्चन बचा है, अब नौ क्वेश्चन बचा है भैया, आठ हुआ ये हो जाएगा तो आठ को बचेगा। देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? तो नेत्रोद में होता है, नेत्रोद में, याद रखिए, नेत्रोद में नेत्र में प्रवेश, जब हमारे नेत्र में, जब देखिए उधर से आया प्रकाश आया नेत्र में प्रवेश करता है तो कहां से परावर्तन होता है भैया? तो नेत्रोद से परावर्तन हो जाता है, नेत्रोद से। चलिए आगे 72 के बाद, अब 7 क्वेश्चन बचा, मात्र 7 क्वेश्चन पे काम चल रहा है, मात्र 7 क्वेश्चन पे। विभक्त बलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। आंसर इसका ये हो गया, याद रखिएगा, विभक्त बलय किस यंत्र में किया जाता है भैया? तो विद्युत मोटर में, हो गया। 73 के बाद 74 में आइए, 74, अब 6 बचेगा, 6 80 के पास पहुंचने वाले, जैसी 80 के पास पहुंचेगा एकदम गर्दा धुआंधार ताली मारना है कि आपका घर वाला मम्मी पापा जी माता जी और पिताजी एकदम देखे, अरे क्या कर रहा है भैया? तो YouTube पे पढ़ रहा है, कौन सर से भैया? तो अबोध सर से पढ़ रहा है, कौन सर से? अबोध सर से। जज्बा जुनून लगन उत्साह साहस आत्मबल इच्छा शक्ति एकदम गर्दा उड़ा देना, गर्दा। यहां देखिए इसका आंसर ए होगा। 74 का है, 74 का है। अब मात्र भैया कई क्वेश्चन बचा है, अब कई गो बचा है? पांच गो बचा है। अब नहीं छोड़ेंगे, अब गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। जल्दी करी, जल्दी एक बार पढ़िए क्वेश्चन, हम आंसर लिखने वाले। बी नंबर होगा उपचयन हुआ। एक बार क्वेश्चन और पढ़िए भैया। जब ऑक्सीजन का योग होता है, हम अभी बताए थे, ऑक्सीजन का अगर योग हुआ, योग मतलब वृद्धि हुआ, वृद्धि मतलब विकास हुआ, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उपचयन, क्या होगा? और हाइड्रोजन का अगर भैया कमी हुआ तब भी होगा क्या? उपचयन। अगर ऑक्सीजन का कमी हुआ और हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ तो ये हो जाएगा आपका क्या? अपचयन होगा। ये क्या होगा? अपचयन। 75। अब मात्र 5 क्वेश्चन है जी, अब मात्र पांच क्वेश्चन है, 80 पहुंच जाएंगे, आज का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आज का लक्ष्य, निम्न में से कौन बौने पौधों को प्रदर्शित करता? अरे ये आ गया आपका टीटी, बड़ा टी और छोटा टी। बौने पौधों को कौन प्रदर्शित करता है? बौने पौधों को, लगता है इसका आंसर गलत हो रहा है क्या? स्मॉल टी हो सकता है क्या? इसका आंसर हम कमेंट कर देते हैं, सही से देखे, हमको कंफ्यूजन हो रहा है यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये भी, लेकिन हमारे विचार से ये भी हो सकता है, हम देख के एक बार बताएंगे आपको। आपको देख के कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में इसका आंसर देख लीजिए क्या है, चलिए 76 के बाद 77 में आइए। मात्र तीन क्वेश्चन। ए विद्यार्थी जी शेयर कर दीजिए, लास्ट चल रहा है, लास्ट। जो नया नया जुड़े हैं वो लाइक कीजिए। कमेंट में कोई कमी नहीं। यहां देखिए भैया, देख लीजिए, गर्दा उड़ाना है एकदम। आज नहीं छोड़ना है, 80 पार नहीं करना है, 80 ही रहना है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? अरे तो हवा में होता है। देखिए सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, उसके बाद आपका क्या चीज में होता है? हवा में। प्रकाश का चाल निर्वात या हवा में कितना होता है भैया? 3×10⁸ और मीटर पर सेकेंड। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश समदैशिक एवं समांगी माध्यम से होकर गमन करती है। याद हुआ क्या? अरे याद हुआ, याद करवाने का जिम्मेदारी अबोध कुमार का है, याद करवाने का जिम्मेदारी मेरा है। 77 का 78 उसके बाद 78 याद करवा देंगे, कहोगे इसका जिम्मेवारी ठेका आपका लेते हैं, हम याद करवा देंगे, यूट्यूब चैनल पे हम याद करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी, दुनमरिया भी, पचनमरिया भी हम याद करवाएंगे। अब मात्र दो क्वेश्चन बचा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है? तो देखिए भैया, आवर्धन का एसआई मात्रक तो गड़बड़ है, नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसका आंसर डी, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। चलिए
79, उसके बाद बचेगा 180। अब ये देखिए, आपको विश्वास, हम कुछ समय पहले ही आपको अभी याद करवाए थे, वही देखिए आ गया। हम अभी याद करवाए थे एल्केन और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र। तो एल्केन का होता है CnH2n और प्लस दो, एल्केन का, एल्केन, एल्केन का CnH2n प्लस टू। मिला लीजिए इसमें कौन सा है, ए नंबर ही है CnH2n प्लस टू। 79 के बाद 80, जैसी आएगा 80 टाइप करना है, पहले आंसर टाइप करके भेजना है, और उसके बाद जब हम बोले तो सबको ताली मारना, हम बोलेंगे तब, पहले आप लोग मार देते हैं, ये गलत करते हैं। यहाँ देखिए 80 आ गया, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का, जैव मतलब मेरे दोस्त जीवन का सबसे विशाल रूप कहां पर हो सकता है, तो फसल क्षेत्र में नहीं, नदी तट पर नहीं, समुद्र तट पर नहीं, तो ये होगा वन में। देखिए जंगल में है जो सभी प्रकार के जीव जंतु उपस्थित रहते हैं। याद कीजिए अभी ने हम लोग घर गांव शहर बड़ा बड़ा ये नगर बन गया है, पहले तो जंगल में ही निवास करते थे हम लोग, जब आदि मानव में थे हम लोग का जो पूर्वज थे तो जंगल में ही, टोटल का टोटल परिवेश हम लोग क्या चीज से था, जंगल से। इसका आंसर हो गया डी, इसका आंसर हो गया डी। इसी के साथ आप लोग हाथ उठाइए और एक बार ताली मार दीजिए, आज का सेवा क्या होगा, समाप्त होगा। 80 आज का टारगेट क्या हो गया, पूरा। तो सुनिए, वो हम बात कहना चाहते हैं, एक बात कहना चाहते हैं, सुनिए। अगर इरादा आपको नेक हो और इच्छा शक्ति एकदम बहुत बेहतरीन हो तो आप हर एक लक्ष्य को इसी तरह से पूरा कर सकते हैं मित्र, इसमें कोई संशय नहीं है और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सत्य के साथ काम करना है, सत्य के साथ काम करना है, मेहनत करना है, उसके बाद देखिए सफलता के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा, सफलता आपके पीछे भागेगा, समझे। ईमानदारी के साथ किया गया मेहनत एक दिन रंग लाता है, होली भी आ रहा है, रंग लेके आ रहा है, समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, एक बात ध्यान दीजिएगा, दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल से अगर जुड़ जाते हैं तो मैथ और साइंस का एक नंबरिया, दो नंबरिया और पांच नंबरिया मिलाकर टोटल 90-90 अंक का, 90 से 90 अंक का, मैथ में भी 90 और साइंस में भी 90 का तैयारी करवाने का जिम्मेवारी हम लेते हैं, आपका ठेका लेते हैं, याद करवा देंगे यहीं पे, याद यहीं पे हम क्या करेंगे, आपको मित करवा देंगे, हो गया क्या। चलिए तो एक नंबर तो आप जानिए रहे हैं, बार 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 जान रहे हैं, 8540890133। इस पर व्हाट्सअप करके आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, क्योंकि पीडीएफ रटना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और ग्रुप में अगर जुड़ जाते हैं तो आपको हर एक सूचना हम देते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कब लाइव होगा कब नहीं होगा। देखिए कभी कभी वीडियो में थोड़ा सा उलट फेर हो जाता है, टाइम नहीं मिलने के कारण गड़बड़ी होता है। तो आज का सेवा समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं मित्र, जय हिंद जय भारत।